सियारों के बारे में क्या पढ़ा है बेसिक? धीरज आप बताइए। धीरज भारद्वाज। ठीक है। कहाँ से पढ़ा? वीडियो देखा क्या? अच्छा, उसके अलावा अलग से नहीं पढ़ा? ठीक है। करुणा। करुणा यस आप बताइए क्या पढ़ा है, क्या मैम, सीआरओ एक पढ़ा है? इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सीआरओ एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी चेंज करके, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हम उसके टाइम और एम्पलीट्यूड का मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके गुड। ठीक है। और निशा, यस मैम। आप बताइए क्या पढ़ा आपने? हमने सीआरओ के बारे में, मतलब वो एक ऐसा डिवाइस होता है, जनरली हम सिग्नल्स को देख नहीं सकते, तो हम सीआरओ के थ्रू हम सिग्नल का वेवफॉर्म किस टाइप का होता है ये देख सकते हैं। जो अदर उसकी जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो। मतलब ये मैं अज्यूम करके चलूं कि इतनी बेसिक नॉलेज सीआरओ के बारे में सभी को है, यस और नो? मे भी इससे यस ज्यादा भी मैम। होगी और लोगों को। यस मैम। ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड यूनिट विच इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जितना आपको पता है कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि सिग्नल को डिस्प्ले करती है, वोल्टेज और करंट को, करंट के एम्पलीट्यूड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें दिखाती है, साथ ही साथ हम उसका फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एंड फेज और उसका राइज टाइम, फॉल टाइम, बैंडविड्थ, ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको इतना बेसिक पता है, वेरी गुड। अब इसके बाद हमें देखना है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप अगर ऐसे डिवाइस है तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है जिसकी वजह से ये ऐसे डिस्प्ले करता है, साथ ही साथ उसके क्या जरूरी ब्लॉक डायग्राम्स है, क्या कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर के सीआरओ बना हुआ है। ठीक है। और अभी तक बहुत कम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, सो प्लीज आस्क एवरीवन टू ज्वाइन दी क्लास, क्योंकि अब ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। आपकी सेकेंड यूनिट भी पैरेलली चलती रहेगी इस तरीके से लैब की क्लास में, और साथ ही साथ आपको सीआरओ को ऑन स्क्रीन भी डिस्प्ले कराया जाएगा, मतलब आपको दिखाया जाएगा कि सीआरओ कैसा दिखता है, जो लैब में आपके सीआरओ आपने देखा ही है, बट फिर भी क्योंकि ये लैब सेशन है तो इसमें हमें लैब भी करना होगा, सो आपको सीआरओ दिखा करके हर एक नॉब का ऑपरेशन एक्सप्लेन किया जाएगा। वैसे आज आप लोगों की 3 क्लास लग चुके हैं तो थोड़ा सा टायर्ड तो होंगे आप लोग, ऐसा है क्या? खाना वाना खाया है सभी ने? नो मैम। नो मैम। नो मैम। लो भाई, यस मैम। एक घंटे का बीच में ब्रेक मिला तो था, 1:30 बजे क्लास ओवर हो गई है, देन 2:30 बजे मैंने क्लास इसलिए शेड्यूल करी। खा लेना चाहिए था ना भाई, लंच टाइम भी होता तो आधे घंटे का ही होता, 2 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती, देखो आधे घंटे आप लोगों को एक्स्ट्रा मिले, उसके बाद भी खैर कोई नहीं, जल्दी स्टार्ट करते हैं तो जल्दी फिनिश भी कर लेंगे। ठीक है। सो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो कि जैसा भी हम अभी अभी आप लोगों ने भी बताया, मैंने भी बताया,
बेसिकली एक डिस्प्ले डिवाइस है, मतलब जब भी पूछा जाता है कि डिस्प्ले डिवाइस के एग्जाम नाम बताइए, तो उसमें सीआरओ आप मेंशन कर सकते हैं कि सीआरओ इज अ डिस्प्ले डिवाइस। तो सबसे पहले सीआरओ, अब तो बहुत ही एडवांस वर्जन आ गए सीआरओ के, लेकिन पहले जो सीआरओ होते थे, मतलब अपने यहाँ लैब में भी है, वो भी पुराना ही है, 10-15 साल पुराना है। तो वो जो सीआरओ थे वो मेन तो सिग्नल्स को देखने के लिए यूज किए जाते थे, और उसके अलावा उसका जैसे जो फैक्टर्स हम लोग मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकते बिना देखे, तो उन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि जब वेव फॉर्म देखेंगे तब हम उसका राइज टाइम निकालेंगे, तब हम उसका फॉल टाइम निकालेंगे, कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कि वेव फॉर्म को देख करके निकाले जाते हैं, वो निकालने के लिए हो गया। और लेकिन अब जो सीआरओ आ रहे हैं इस टाइम में, जो सीआरओ आ रहे हैं वो और भी ज़्यादा एडवांस है, वो इस तरीके के एडवांस है कि हम वेव फॉर्म को सेव भी कर सकते हैं और उस सेव की हुई वेवफॉर्म को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो जिस फॉर्म में हम प्रोसेस करना चाहते हैं तो वो हमारा सिग्नल प्रोसेस होकर के, इसलिए फिर सिग्नल प्रोसेसिंग डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग आगे चल करके आपको लगेगा, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, वो आ जाता है। तो अभी हम लोग बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं कि सीआरओ कैसे वर्क करता है। इसमें होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन की गन होती है, उस इलेक्ट्रॉन की गन से इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है, इलेक्ट्रॉन बीम निकल करके एक स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करती है, और वो स्क्रीन में हम एक ऐसे मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं जिसकी वजह से जब भी इलेक्ट्रॉन की बीम उस पर स्ट्राइक करेगी तो जहाँ भी स्ट्राइक करेगी वहाँ पे एक फ्लोरोसेंट, एक विजिबल, एक मतलब लाइट जैसा मार्क होगा, जिसकी वजह से वो स्क्रीन पे हमें जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रॉन की बीम मूव करेगी वो दिखाई देगा उसका मोशन। और वो मोशन इसलिए होता है क्योंकि हमने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग करी होती है, इस वजह से। ये कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें हमें किस तरीके से वेवफॉर्म दिख रही है। अब उसके पीछे ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। So, अगर स्क्रीन है हमारे पास तो स्क्रीन में दो एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो सिर्फ एक एक्सिस में मूव नहीं करेगी, वो दोनों एक्सिस के अलोंग मूव करेगी और तभी हमें कोई भी वेव फॉर्म दिखाई देगी। जैसे अगर साइन वेव होती है तो साइन वेव में मोशन हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के अलोंग होता है, तभी हमें वेव फॉर्म दिखाई देती है। तो जो इलेक्ट्रॉन की बीम जाएगी वो दोनों एक्सिस के अलोंग मूव करेगी और हमें वेव फॉर्म एक प्रॉपर फॉर्म में विजिबल होगी। सीआरओ के जो मेन पार्ट होते हैं वो कैथोड रे ट्यूब है। कैथोड रे ट्यूब के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं जिसे अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो बेसिक ब्लॉक डायग्राम अगर किसी ने भी एच एस कल सी से देखा होगा, जो मैंने रेफर किया था कि बेसिक ब्लॉक डायग्राम जो सीआरओ का होता है वैसा कुछ होता है, और अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये ड्रॉ भी करना होगा। ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है सीआरओ का, दिख रहा है सभी को? इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो अब बेसिक प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है सीआरओ का? सीआरओ का बेसिक प्रिंसिपल है कि सपोज हमने एक टॉर्च लिया, उस टॉर्च को आप एक कार्डबोर्ड ले लो या दीवार ले लो या किसी पे टॉर्च से हम फोकस करते हैं, तो हमें दीवार पे क्या दिखेगा? उस टॉर्च का जो भी लाइट है वो लाइट जाकर के जहाँ भी दीवार पे पड़ेगी हमें वो पॉइंट पे लाइट दिखेगी। ठीक है, ऐसा होता है? Yes, ma'am. Yes or no? अब ये जो लाइट की बीम जहाँ पड़ी है, अगर सपोज हमने उस फोकस को, टॉर्च को हमने एक ही जगह पे रखा है, पकड़ के रखा हुआ है, उसको मूव नहीं कर रहे, तो हमें एक पॉइंट दिखेगा, लाइट का एक पॉइंट दिखेगा। ठीक है, अब ये टॉर्च को पकड़ के अगर हम लोग मूव करना स्टार्ट करते हैं, सपोज हॉरिजॉन्टली मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें वो वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ भी लाइट दिखेगी, वी कैन सी दैट कि हाँ लाइट पहले इधर थी, अब इधर गई, अब इधर थी, अब इधर गई। लेकिन ये जो मोशन है, इस मोशन को हमने बहुत फास्ट कर दिया, इतना फास्ट कर दिया कि अब हम देख नहीं पा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि लाइट की बीम एक्चुअली जा कहाँ से रही है। तो हमें क्या दिखाई देगा ऐसे टाइम पे, अगर हम बहुत तेज से मूव कर रहे हैं टॉर्च से लाइट को, तो हमें स्क्रीन, हमें दीवार पे क्या दिखाई देगा? लाइन दिखाई देगी।
लाइन दिखाई, लाइन यस स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी क्योंकि अब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं आंखों से कि एक्चुअली में बीप कहाँ जा रही है, तो हमें एक पैटर्न दिखेगा। वो पैटर्न अगर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन होगी हॉरिजॉन्टल, अगर वर्टिकल मूव कर रहे हैं तो एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी, और अगर सर्कुलर मूव कर रहे हैं तो एक सर्कल दिखेगा लाइट का। यस और नो, सर्कल दिखेगा या नहीं? यस मैम। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है सीआरओ में लाइट वेव फॉर्म को या सिग्नल को डिस्प्ले करने का। बट इसके पीछे जो हमारी टॉर्च थी, जो टॉर्च हमने हाथ में पकड़ के रखी थी, वो टॉर्च रिप्लेस हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन की गन से, जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, जो कि स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है। और जो लाइट थी हमारी, लाइट की बीम, वो रिप्लेस हो जाती है इलेक्ट्रॉन की बीम से, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन की बीम एक्चुअली में बहुत शार्प नहीं होती है, बट हम इसको ऐसे ऐसे स्टेजेस से पास करते हैं कि ये बिल्कुल से हाई वेलोसिटी के साथ निकल के और एक पिन पॉइंटेड फॉर्म में जा कर के स्क्रीन पे स्ट्राइक करे, और एक ही जगह पे स्ट्राइक नहीं करे, ये स्ट्राइक उस फॉर्म में करेगी जिस फॉर्म में हमारा सिग्नल आ रहा है। सपोज जो हमारा इनपुट है वो साइनोसॉइडल फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन पे जाकर के साइनोसॉइडल फॉर्म में स्ट्राइक करना होगा, और ये जो स्पीड होती है ये इतनी ज्यादा होती है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा होते हैं कि हम एक इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते हैं, हम पूरा का पूरा एक पैटर्न देखते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जब भी लाइट को हम बहुत तेजी से मूव करेंगे तो हमें एक पैटर्न दिखेगा उसी फॉर्म में। क्लियर है? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस मैम। और ये जो स्क्रीन है ये ग्लास की ट्यूब होती है, ये जो आपको एक पैरा ये ऐसा शेप दिख रहा है, इलेप्टिकल फॉर्म का शेप दिख रहा है, ये एक ग्लास की ट्यूब होती है, और ये कम्प्लीटली स्ट्रेट नहीं होती है, थोड़ा सा कर्व्ड होती है एंड में, थोड़ा सा कर्व्ड होती है। बट वैसे तो अगर आप छोटा एरिया लेंगे तो पूरा स्ट्रेट दिखेगा, बट उसी को अगर आप बड़ा करेंगे तो एंड में, जैसे पहले वाली टीवी अगर आप लोगों को याद हो, जो अब तो फ्लैट टीवी आने लगी है एलईडी एलसीडी, बट पहले जो टीवी आती थी अगर आप लोगों के घर याद हो, देखा हो, तो वो एंड्स में थोड़ा सा कर्व्ड होती थी, देखा है किसी ने? यस मैम। यस मैम। अभी भी अगर देखा होगा घरों में होगी, क्योंकि अभी भी है, ऐसा नहीं कि अब पूरी तरीके से रिप्लेस हो गई है, तो जो उसके एंड्स होते हैं, जो रेक्टेंगल बॉक्स जहाँ पे खत्म हो रहा होता है वहां पे वो थोड़ी सी कर्व्ड होती है। वो जो कर्व्ड है वो इसलिए होती है क्योंकि वो वहां पे जो डिस्प्ले मैकेनिज्म होता था उन टीवी में, वो सीआरओ का ही डिस्प्ले मैकेनिज्म होता है, इसलिए तो वो एंड्स में थोड़ी सी कर्व्ड होती है, और उसमें जो भी आपको डिस्प्ले दिख रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन बीम के मोशन की वजह से दिख रहा होता है, ठीक है। मतलब उस डिस्प्ले के अंदर, मतलब वो टेलीविजन के अंदर एक्चुअली में कैथोड रे ट्यूब होती थी, जो पहले डेस्कटॉप होते थे, अभी भी डेस्कटॉप है, मतलब जो कंप्यूटर के डेस्कटॉप देखे होंगे वो भी उनकी स्क्रीन भी एंड्स में थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड होती है, क्योंकि उनके अंदर भी कैथोड रे ट्यूब लगी होती है, ठीक है। वो जो ट्यूब है उसके एंड में यहाँ पे लिखा हुआ है फॉस्फर स्क्रीन, मतलब फॉस्फर मटेरियल की कोटिंग होती है। फॉस्फर ऐसा मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करेगी तो ये फॉस्फर मटेरियल क्या करेगा, ऐसा ये ब्लिंक करेगा, मतलब जहां भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा वहीं पे आपको ऐसा शाइन करता हुआ पॉइंट दिखेगा, जिसकी वजह से हमें वो पॉइंट विजिबल हो पाएगा, ठीक है। तो जो मटेरियल, जो फ्लोरोसेंट मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो है फॉस्फर की स्क्रीन। अभी इसमें इंडिविजुअल ब्लॉक्स को हम लोग देखेंगे, बट जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि जो इलेक्ट्रॉन की गन होती है जिससे इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है, इलेक्ट्रॉन बीम हाई एनर्जी के साथ निकल करके स्क्रीन में जा करके स्ट्राइक करती है, और जहां भी स्ट्राइक करती है हमें वो पॉइंट या वो पैटर्न दिखाई देता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अलोंग स्ट्राइक करती है, ठीक है, x और y दोनों एक्सिस के अलोंग स्ट्राइक करेगी। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ऐसे ये और ये ऐसे एक्सिस फॉर्म में होता है, जहाँ पे कि हमें वेव फॉर्म ऐसे ऐसे दिखाई देती है, ठीक है, क्लियर है।
बट ये सर पूरी मैकेनिज्म, दिस इज द एंड, ये जो हमें दिखेगा दिस इज द एंड पार्ट, ये आउटपुट है जो हमें दिख रहा है, और यहाँ से जो दिया जाएगा वो इनपुट होगा, बट यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिग्नल को आने में इसको बहुत सारे ब्लॉक से होकर के प्रोसेस होकर के निकलना होता है। तो अभी तो आपने जितना भी सीआरओ के बारे में जाना तो बस इतना जान लिया कि इट इज अ डिस्प्ले डिवाइस विच इज यूज टू डिस्प्ले द सिग्नल एंड मेजर करने के लिए फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ये सारी चीजें। बट अब इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको क्या करना होगा, आपको हर ब्लॉक के बारे में स्टडी करनी होगी कि एक्चुअली में हो कैसे रहा, ये मैकेनिज्म वर्क कैसे कर रहा है, इसके बारे में, ठीक है। सो बेसिक प्रिंसिपल ये हो गया। तो जो स्टार्टिंग के आपके नोट्स में है यहाँ पे यही गिवन है कि जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल के बाद आ जाते हैं कि अच्छा इसका यूज कहाँ होता है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है सीआरओ का। तो क्या ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड में एप्लीकेबल है या बाकी फील्ड्स में भी एप्लीकेबल है? तो सीआरओ एक ऐसी डिवाइस है जो कि हर फील्ड में अप्लाई होती है, हर फील्ड, मतलब बायोमेडिकल एप्लीकेशन, अगर आप लोगों को पता हो कि जो ईसीजी मशीन होती है, एमआरआई मशीन होती है, जो डिस्प्ले डिवाइस होती है जिसमें कि आपकी हार्ट रेट वगैरह डिस्प्ले हो रही है, तो जहाँ भी ऐसे डिस्प्ले डिवाइसेज यूज हो रही हैं, फिर वो चाहे बायोमेडिकल एप्लीकेशन हो या मेटेरोलॉजिकल, मतलब कि आपके वेदर प्रेडिक्शन के लिए जो ग्राफ वगैरह आते हैं, हर फील्ड में सीआरओ एप्लीकेबल होता है। जहाँ भी कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है और उस सिग्नल को हमें देखने की जरूरत है, तो जो मोस्ट कन्वीनियंट इक्विपमेंट प्रेजेंट है वो है सीआरओ, कि वी कैन सी एनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ, अगर वो वोल्टेज या करंट के फॉर्म में है तो सीआरओ की मदद से हम उसको देख सकते हैं। तो हर फील्ड में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मेटियोलॉजिकल है हो या बायोमेडिकल हो, हर फील्ड में सीआरओ का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है और क्या, बेसिक प्रिंसिपल हो गया, एप्लीकेशन हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग ब्लॉक डायग्राम पे कि सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम क्या है, और बेसिक डेफिनेशन अगर आपको सीआरओ की लिखनी है कि सीआरओ की बेसिक डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्ट कैसे कैसे लिखना है, तो आप बेसिक डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ये है, ये गिवन है। CRO is one of the most versatile instrument which apart from displaying wave shapes can be used to measure voltage level, time period, frequency, etc. It can measure distortion, noise, modulation depth, rise time of pulse, waveform and bandwidth of an amplifier. मतलब ये एक कंप्लीट डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अगर आपको, आप या आपकी कैपेसिटी है कि हाँ आप लर्न करके लिखना है, अदरवाइज प्रॉपर डेफिनेशन आपके माइंड में जो भी है आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का जो मेन पार्ट होता है वो है कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी, जो मेन पार्ट है वो उसका डिस्प्ले डिवाइस है, और जो डिस्प्ले डिवाइस के लिए जो ट्यूब होती है उसे बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। उसके अलावा भी एडिशनल सर्किटरी है जो कि अब हम लोग ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे कि क्या है। ये रहा, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ, जिसमें जो ये जो टॉर्च जैसा पार्ट दिख रहा है, दिस इज द कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब का स्टैटिक पार्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉन की गन, इलेक्ट्रॉन की गन जिससे इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है। उसके बाद हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ये है हॉरिजॉन्टल, बट ये जो ऐसा परपेंडिकुलर फॉर्म में दिख रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर डिफ्लेक्टिंग प्लेट। फिर दूसरा ये हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। जो एंड है ये है आपका डिस्प्ले, ये स्क्रीन है, ग्लास ट्यूब की स्क्रीन है जिसके ऊपर हमने फॉस्फर मटेरियल की कोटिंग कर दी है। और उसके अलावा वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन, ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर एंड हाई वोल्टेज लो वोल्टेज सप्लाई। अब देखते हैं कि इंडिविजुअल ब्लॉक का क्या काम है। सबसे पहले इनपुट दिया जाएगा, जो वो दिया जाता है वर्टिकल एम्पलीफायर में। वर्टिकल एम्पलीफायर में इसलिए दिया जाता है ताकि जो भी हमारे इनपुट का, सपोज इनपुट, क्योंकि आपका कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होता अमाउंट में, जैसे कि आप अभी हमने पहले की क्लास में क्या पढ़ा था कि जो एमीटर की रेंज है वो बहुत ही कम होती है, मिली एम्पियर, और जो पर्टिकुलर मीटर होता है उसकी तो और भी ज्यादा कम होती है।
तो उसी तरीके से कोई भी अगर आप सर्किट लेते हो तो उसमें जो इनकमिंग सिग्नल होता है या उसका जो भी आउटपुट सिग्नल होता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो सबसे पहला काम होता है कि उस इनपुट को हम पहले एम्पलीफाई करके इतना कर लें कि हम उसको ईजिली मेजर कर सकें या इजिली डिस्प्ले कर सकें। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू एम्पलीफाई दैट इनपुट सिग्नल। एम्पलीफाई करने के बाद उसी सिग्नल को हमने डिले लाइन में दिया है और सेम सिग्नल गया है ट्रिगर सर्किट में। डिले लाइन नाम से समझ में आ रहा है, इसका काम सिर्फ इतना है कि इस सिग्नल को होल्ड करके तब तक रखे जब तक कि इस हॉरिजॉन्टल सेक्शन का सिग्नल यहाँ पे नहीं पहुँच जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होगी वो एक साथ होगी, तो सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए डिले लाइन लगाया गया है ताकि जो भी सिग्नल आ रहा है वो डिले लाइन के थ्रू डिले करके रखा जाए और तभी दिया जाए इन प्लेट्स में जबकि यहाँ से सिग्नल इस प्लेट में जाएगा। सो दैट आपको यहाँ प्रॉपर वेवफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे तो हमें वही वेरिएशन चाहिए जितना कि एक्स एक्सिस में उतना ही वाई एक्सिस में, जितना वर्टिकल डायरेक्शन में वेरिएशन उतना ही हॉरिजॉन्टल में। तो पूरे प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करके रखने के लिए डिले लाइन लगाए गए हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस मैम। सो तो नहीं गए आप लोग? नो मैम, क्योंकि पीक टाइम चल रहा है, पीक टाइम चल रहा है सोने का इसलिए, और ऊपर से अगर इतना पढ़ लिया हो सुबह से तो और भी। यस प्लीज। सो नेक्स्ट इज कि अब ये सिग्नल जो एम्पलीफाइड है उसे हमने दिया है ट्रिगर सर्किट में। ट्रिगर सर्किट का काम होता है जो भी इनपुट सिग्नल आया है उसी के करस्पॉन्डिंग, मतलब उसी इनपुट सिग्नल के करस्पॉन्डिंग ट्रिगर पल्सेस को जनरेट करें। वो ट्रिगर पल्सेस का काम है आगे टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट में इनपुट की तरह काम करके सॉ टूथ वेवफॉर्म को जनरेट करना। अब ट्रिगर पल्सेस मैं ड्रॉ करके बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ का जो आउटपुट होगा, जो भी आपका इनपुट आया था उसी के करस्पॉन्डिंग वही टाइम पीरियड को मेंटेन करते हुए ऐसी ऐसी सिर्फ ट्रिगर पल्सेस को जनरेट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिमेम्बर जो आपकी एक्स एक्सिस है वो हमेशा टाइम होगी इन सीआरओ, कभी कोई दूसरी चीज नहीं होगी। और टाइम और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट डिस्प्ले विल ऑलवेज बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये जो सर्किट है इसका काम है, जैसे आपका इनपुट सिग्नल आ रहा था सपोज एक साइनोसॉइडल ऐसा कुछ सिग्नल, तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा किसमें? ट्रिगर पल्सेस में, पल्सेस के फॉर्म में ऐसा सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये सिग्नल आउटपुट में नेगेटिव में नहीं जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका एक कंप्लीट एक सर्किट होता है जिसे आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे कन्वर्जन हो रहा है। तो इनकमिंग सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है ये ट्रिगर पल्सेस के फॉर्म में। फिर ये ट्रिगर पल्सेस जो हैं टाइम बेस्ड जनरेटर में जाती हैं, और टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट क्या करता है इस अपने आउटपुट में वेरी इंपॉर्टेंट वेव फॉर्म जो कि सीआरओ जिसकी वजह से वर्क करता है वो जनरेट करती हैं, वो है सॉटूथ। ऐसी वेवफॉर्म देखिए, पहले कोई जानता है सॉटूथ वेवफॉर्म? ऐसी वेवफॉर्म्स को जनरेट करती हैं। सॉटूथ वेवफॉर्म कैसी होती हैं कि जिनका जो हॉरिजॉन्टल जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा होता है और जो वर्टिकल जो टाइम पीरियड है कह लें वो बहुत कम है। मतलब इनका राइज टाइम तो बहुत ज्यादा है बट फॉल टाइम बहुत ही कम है। राइज टाइम बहुत ज्यादा है, फॉल टाइम बहुत कम है। ये टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट फिर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में जाकर के उतना एम्पलीफिकेशन दिया जाता है जितने की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे सिर्फ सॉटूथ ही शेप क्यों लिया गया है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है उसको हॉरिजॉन्टली स्क्रीन पे डिस्प्ले होने के लिए सॉटूथ वेवफॉर्म की जरूरत होती है। अगर आपको यहाँ पैटर्न अगर आप मैच कर सकते हो तो ऐसा कुछ ये, मतलब कि जब तक ये राइज होगा स्क्रीन पे ऐसा इस वेवफॉर्म के अकॉर्डिंग,
आपकी जो इलेक्ट्रॉन की बीम है राइज टाइम जितना जैसे ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल स्वीप करेगी, फिर जल्दी से वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आके फिर हॉरिजॉन्टल स्वीप करेगी। और इस तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल जो वेरिएशन दिख रहा है स्क्रीन पे इस सॉटूथ शेप की वजह से मिलती है। और इसलिए यहाँ पे टाइम बेस जनरेटर सर्किट यूज किया गया है जो कि सॉटूथ वेवफॉर्म को प्रोड्यूस करता है और ये सिंक्रोनाइज्ड होता है विद इनपुट सिग्नल, मतलब जो टाइम पीरियड इस इनपुट सिग्नल का होगा वही टाइम पीरियड इस सॉटूथ वेवफॉर्म का होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Very important block in CRO, time-based generator, जिसकी मदद से हम sawtooth waveform को generate करते हैं और फिर इस sawtooth waveform signal को sawtooth waveform को amplify किया जाता है और amplify करके यहाँ पे ये जो दिख रही है ये है आपकी horizontal deflecting plate and this is vertical deflecting plate, तो वहां से फिर ये signal यहाँ दिया जाता है उसी time पे and उसी time पे ये signal इन plates में दिया जाता है। और साथ ही में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है इलेक्ट्रॉन बीम में वैसे ही प्रोसेसिंग यहाँ होती है और उसी के करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल प्रोसेसिंग यहाँ होती है और वो इलेक्ट्रॉन बीम आगे जाकर के स्क्रीन पे स्ट्राइक करती है और हमें वो करस्पॉन्डिंग शेप दिखता है जो कि इनपुट सिग्नल का होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes or no? कोई डाउट है अभी इसमें किसी पार्ट में? क्लियर है? अब यहाँ पे दो और ब्लॉक दिख रहे हैं जिसके बारे में मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, वो है हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। तो ये सारी प्रोसेसिंग करने के लिए जो अभी तो यहाँ पे आपको दो ही चीजें दिख रही हैं, अभी आगे देखेंगे हम लोग एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन की बीम जब निकलती है तो उन अलग अलग सेक्शन से पास होके जाती है क्योंकि उसे उतनी रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए होती है जिससे कि वो स्क्रीन पे स्ट्राइक करे, तो उस एनर्जी के लिए हम अलग अलग सेक्शन में अलग अलग हाई वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे दो हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज सप्लाई ली गई है, नेगेटिव हाई वोल्टेज पॉजिटिव लो वोल्टेज सप्लाई, जिसकी की अलग अलग सेक्शन में रिक्वायरमेंट होती है इसलिए। ठीक है, ट्वेंटी 28 स्टूडेंट्स आर देयर ओनली। ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है, ये इसके इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, कैथोड रे ट्यूब, वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन, टाइम बेस, हॉरिजॉन्टल ट्रिगर सर्किट, पावर सप्लाई, ये एज इट इज एच एस कलसी से लिखा गया है। तो आप लोगों को अगर इससे नहीं पढ़ना है तो एच एस कलसी से, और तीसरा कोई सोर्स नहीं है, सो प्लीज डू नॉट रेफर एनीथिंग एल्स। आप रेफर करिए तो ये रेफर करिए या एच एस कलसी बुक या ए के साने बुक, उसके अलावा और कहीं का अगर मटेरियल आपने लिखा है तो वो सिंपली कट हो जाएगा, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट शिवानी एंड ऑल दिस। अगर आप लिख रहे हो उसका मटेरियल तो वो पता तो चल ही जाता है, मुझे समझ तो आ ही जाता है कि कहाँ से लिखा गया, डेफिनेटली वो नहीं लिखा है जो मैंने पढ़ाया है, तो वो कट हो जाता है। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए और क्लास अटेंड करिए, सभी से ये एक रिक्वेस्ट है। सो ये सारा एक्सप्लेनेशन है इसका जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, के बाद है ट्रिगर सर्किट, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में यहाँ देखिए, यहाँ पे नेगेटिव हाई वोल्टेज एंड पॉजिटिव लो वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज की जो रेंज है नेगेटिव हाई वोल्टेज की वो -1000 टू -1500 वोल्ट्स, एंड पॉजिटिव लो वोल्टेज की जो सप्लाई है वो है +300 टू 400 वोल्ट्स। जितने इतने वोल्टेज तक की सप्लाई यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है सीआरओ में जब आगे की प्रोसेसिंग होती है। सो नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग कि सीआरओ कितने टाइप के होते हैं। There are three types of CRO, non-storage or real-time oscilloscope, then sampling oscilloscope and storage oscilloscope. हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो non-storage और real-time oscilloscope है, उसके बाद फिर और ज़्यादा उनके advanced version कह सकते हैं या जिनमें और भी features add होते हैं तो उनमें से है sampling oscilloscope and storage oscilloscope. Storage oscilloscope मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ऐसे oscilloscope भी होते हैं जिनमें हम waveform को save करके रख सकते हैं, so they are स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कैथोड रे,
ट्यूब में, जो मेन पार्ट है सीआरओ का, उस पर. इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस मैम. यस मैम. ठीक है. सो अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट है. अभी तक सीआरओ में कुछ चीज नहीं समझ में आई हो तो बताइए प्लीज. एनीवन? पूरा समझ में आया है मतलब ऐसा? मैम ट्रिगर सर्किट से समझ में नहीं आया. ट्रिगर सर्किट से क्या समझ नहीं आया बेटा? मैम उसके बाद क्या हो मैम, जो वेव फॉर्म्स बने ये सब. अच्छा एक मिनट. ये ट्रिगर सर्किट जो है, ट्रिगर सर्किट का काम होता है जो भी इनपुट सिग्नल आ रहा है उस इनपुट सिग्नल को ट्रिगर पल्सेस के फॉर्म में कन्वर्ट करना. एक टाइप का कन्वर्टिंग सर्किट है ये, जो कि इनपुट सिग्नल किसी भी शेप का हो उसको कन्वर्ट कर देगा पल्सेस के फॉर्म में. और वो पल्सेस का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब कि इनका जो ऑन टाइम होता है, बहुत ही कम होता है. ओवरऑल टाइम पीरियड तो वही होगा जो इनपुट सिग्नल का था, बट जो इनका ऑन टाइम है, मतलब स्मॉल ड्यूरेशन की पल्सेस होती हैं. अब ये जो स्मॉल ड्यूरेशन की पल्सेस होती हैं, इनकी रिक्वायरमेंट हमें होती है सॉ टूथ को जनरेट करने के लिए. तो टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट की मदद से ये इनपुट में दे करके हम सॉ टूथ पल्सेस को, सॉ टूथ वेव फॉर्म को जनरेट करते हैं. और सॉ टूथ का जो काम होता है, जो मेन काम है सॉ टूथ का, मतलब जिसके लिए सॉ टूथ ही शेप लिया गया है, वो इसलिए है ताकि इलेक्ट्रॉन की जो बीम आ रही है वो हॉरिजॉन्टली स्क्रीन में पूरा स्वीप कर सके. स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल कवर करने के लिए ये सॉ टूथ वेवफॉर्म का शेप सिलेक्ट किया गया है, ताकि जो भी शेप वेवफॉर्म का होना चाहिए या इनपुट सिग्नल का हॉरिजॉन्टल सेक्शन में, वो पूरा का पूरा कवर हो जाए, इलेक्ट्रॉन की बीम उसे कवर कर सके. इसलिए ये सॉ टूथ शेप को जनरेट करके आगे हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में दे करके इसे डिफ्लेक्टिंग प्लेट में दिया जाता है, ताकि इलेक्ट्रॉन को उतना डिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन में मिले ताकि वो पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल स्क्रीन को कवर कर सके. क्लियर है अभी स्वाति? यस मैम. यस मैम. और किसी को कोई डाउट और कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज बताइए. मैम हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज क्या है? हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, अभी हम लोग, हाँ ये अभी हम लोग कैथोड रे ट्यूब, जो अभी मैंने अभी आप लोगों को डायग्राम दिखाया था वो कैथोड रे ट्यूब का था. उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जिनमें कि अलग अलग सेक्शन में कहीं पे हमें नेगेटिव हाई वोल्टेज देना होता है और कहीं पे हमें पॉजिटिव हाई वोल्टेज देना होता है. तो उस चीज के लिए जो सोर्स हमने, जो हम सोर्स लेते हैं वो नेगेटिव हाई वोल्टेज या पॉजिटिव लो वोल्टेज है, इसलिए यहाँ पे ये सोर्स लगा हुआ है. ऐसा ये ऐसा लगा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आखिर यहीं पे काम आएगा, वो इंटरनल ऑपरेशन के लिए है. इस ट्यूब में जहां जहां भी इंटरनली हमें वोल्टेज सप्लाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बीम निकल रही है, ट्रेवल कर रही है, डिफ्लेक्शन दे रहे हैं, उसे वेलोसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सप्लाई वोल्टेज चाहिए होगी. और वो सप्लाई वोल्टेज कहाँ से आती है? ये जो नेगेटिव हाई वोल्टेज एंड पॉजिटिव लो वोल्टेज लिखा हुआ है, यहाँ से एक सोर्स है. बिना सोर्स के कोई भी डिवाइस वर्क नहीं करेगी, सोर्स नहीं लगाएंगे तो काम ही नहीं होगा. इसलिए ठीक है नवनीत? यस मैम. और कोई डाउट किसी को प्लीज? एनीवन? किसी को कोई डाउट? फर्स्ट क्लास में 40 स्टूडेंट थे, सेकंड क्लास में 28, बाकी के 12 दिन का पेशेंस टूट चुका है, खत्म हो गया है, वो नहीं आए. खैर कोई बात नहीं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कैथोड रे ट्यूब मैम.
यस मैम, फास्फोरस की प्रॉपर्टी एक बार बता दी। फास्फोरस नहीं है वो बेटा, फास्फर है, फास्फर, फास्फर मटेरियल। ठीक है, ओके मैम। वो एक टाइप का मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उसमें इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, वो एक जहां भी स्ट्राइक करेगा वो पार्ट शाइन करेगा। तो वो जो शाइनिंग वाली प्रॉपर्टी है उसको यूज कर लेते हैं एज अ डिस्प्ले, कि जहां जहां भी इलेक्ट्रॉन की बीम स्ट्राइक कर रही है वो चीज हमें डिस्प्ले में दिखेगा, और इसलिए फॉस्फर की कोटिंग करी गई है। फॉस्फर एक टाइप का मटेरियल है, सिंपल, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट इज कैथोड रे ट्यूब, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीआरओ। इसको हम लोग सीआरओ का हार्ट भी बोलते हैं, बट ये लाइन का मतलब ये नहीं कि इस लाइन पे आप एक पेज लिख दें कि दिस इज हार्ट ऑफ सीआरओ, तो उसमें आप एक पेज भर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल एक लाइन में फिर आगे बढ़ जाना है आपको कि सीआरओ का मेन पार्ट है सीआरटी। अब सीआरटी में क्या क्या पार्ट्स हैं ये देखते हैं। ठीक है, सो कैथोड रे ट्यूब में सबसे पहले आप जाते हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। बहुत सारे पार्ट्स में जो फर्स्ट पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, उसके बाद है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स असेंबली, देन फ्लोरोसेंट स्क्रीन, और भी है ग्लास एनवेलप, बेस थ्रू विच कनेक्शंस आर मेड टू वेरियस पार्ट्स। ये पांच पार्ट हैं। अब पांच पार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ है आपका जो सबसे पहला पार्ट, ये है आपका बेस। ये बेस में लगी हुई है पिन्स, जिसमें कि हम इनपुट देंगे, जो भी आपका इनपुट नहीं देंगे, कनेक्शन करेंगे, एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए है। ठीक है, बेस के बाद, इसके बाद ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सेक्शन है, ये है इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। ये सेक्शन इंश्योर करेगा इलेक्ट्रॉन की बीम कैसे निकल रही है, कितनी एक्सेलरेट हो रही है, किस डायरेक्शन में फोकस हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद वाला जो सेक्शन है वो है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का सेक्शन, जो कि इंश्योर करेगा कि इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू द इनपुट सिग्नल। फिर उसके बाद आ जाती है ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन वाला पार्ट, जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की बीम जाकर के स्ट्राइक करेगी और स्क्रीन पे फॉस्फर मटेरियल की कोटिंग की वजह से कहाँ कहाँ पे हमें वेवफॉर्म दिखाई देगी। और ये है एक्वाडैक कोटिंग, एक नया मटेरियल अगेन, जो कि स्क्रीन पे नहीं है बट ट्यूब के इनर सरफेस पे इसकी कोटिंग करी गई है। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी कोटिंग क्यों करते हैं। ठीक है, डायग्राम अच्छे से देख लीजिए आप लोग। मैम मैम, वो इलेक्ट्रॉन गन असेंबली में हीटर का क्या काम है? अभी हम लोग देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी कंप्लीट उसकी वर्किंग ये देखेंगे ना, इंडिविजुअल पार्ट की वर्किंग देखेंगे हम लोग। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन गन, अभी एक आपका सेक्शन स्टार्ट होगा, अभी इसमें देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, फिलहाल सबसे पहले हम लोग नॉर्मल एक वर्किंग समझ लें, फिर देखते हैं कि हीटर का क्या काम है, वो इलेक्ट्रॉन गन में आ जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। तो इसमें नॉर्मल एक वर्किंग देख लेते हैं सीआरटी की, होता कैसे है। इसमें क्या है कि ये हीटर है, हीटर के ऊपर लगा हुआ कैथोड, कैथोड इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सभी को पता होगा। कैथोड नेगेटिव चार्ज, एनोड पॉजिटिव चार्ज, सभी को पता है, ये पता है सभी को। कैथोड है, अब कैथोड इज सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्जेस, मतलब कैथोड इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स है तो उससे अगर हमें इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है तो उसे हमें गर्म करना पड़ेगा, और इसलिए यहाँ पे लगाया हीटर, विच विल हीट दिस कैथोड, एंड इस कैथोड के हीट होने से इससे
इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। इलेक्ट्रॉन एमिट होकर के यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्रिड, जो कि ग्रिड से पास होंगे, फिर उसके बाद है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, देन फोकसिंग एनोड, फिर एक्सेलरेटिंग एनोड, ये पूरा मिलाकर के बनता है आपका इलेक्ट्रॉन गन, जिसमें कि इंडिविजुअल ये आपको दिख लाइन के फॉर्म में रहा है, बट एक्चुअली ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। मतलब एक टॉर्च के अंदर जैसे सेल होती है ना सिलेंड्रिकल फॉर्म में, वैसे ही ये टॉर्च का एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन समझ लीजिए, और उसके अंदर ये सारी चीजें जो लगी हुई है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, जिसके की सेंटर में विच इज द एक्सिस ऑफ दिस सीआरटी होल होता है छोटा सा, और उस होल से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बीम पास करते हैं, और वो इसलिए होता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो कहीं डाइवर्ज ना हो, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जा करके उसे जिस भी आगे जा करके जिस भी डायरेक्शन में जाना है एज पर दिस डिफ्लेक्शन वो आगे पास करे उस बेसिस पे, इसलिए जो इनका शेप होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन गन तक का जो लगा हुआ है फोकसिंग एनोड एक्सेलरेटिंग एनोड यहाँ तक का, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सिंपल एक कैथोड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगी आगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में जाएगी और स्क्रीन पे टाइप करेगी और हमें स्क्रीन पे वेवफॉर्म दिखाई देगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन गन पे। इलेक्ट्रॉन गन में जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की बीम निकलेगी उस बीम को फोकस्ड होना चाहिए और एक्सेलरेटेड होने चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बहुत सारे बीच में पार्ट्स लगाएंगे, जैसे कि डायग्राम में भी आप लोगों को क्लियर होगा ये, यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है ग्रिड। ग्रिड को पूरा नाम जो है वो है कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड का काम होता है यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन की बीम निकल रही है तो उसको कंट्रोल करना है हमें। अब मैं जितना हमें विजिबिलिटी स्क्रीन पे चाहिए उस बेसिस पे हमें इसको कंट्रोल करना है। अगर ज़्यादा ब्राइट चाहिए मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए, कम ब्राइट चाहिए मतलब कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं ये कंट्रोल ग्रिड बगल में इसको की इसको लगा दिया जाता है, और इसको लगाने से क्या है और इस पर हम क्या करते हैं नेगेटिव चार्ज नेगेटिव सप्लाई देते हैं। नेगेटिव सप्लाई देने से क्या होगा ये नेगेटिव सोर्स है ऑलरेडी, देन अगेन अगर नेगेटिव लगा देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे बताइए। नेगेटिव सप्लाई हमने दी और नेगेटिव सप्लाई इसको भी दे रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, प्लीज रिपेल करेंगे, और रिपेल करने की वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनका नंबर कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ज्यादा निकल रहे हैं तो हम ज्यादा अगर नेगेटिव दे देंगे तो रिपल्शन की वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो एज पर द इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन मतलब जो भी हमें दिख रहा है स्क्रीन पे जो भी स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है उस बेसिस पे हम ग्रिड पे सप्लाई को कम या ज्यादा करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन है उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है कंट्रोल ग्रिड। और स्क्रीन पे अगर इसको देखने जाएंगे तो एक इंटेंसिटी करके एक नॉब आता है, मतलब एक नॉब होता है जिसको कि हम घुमाएंगे रोटेट करेंगे तो वो कम या ज्यादा होगी स्क्रीन पे विजिबिलिटी। तो ये वही नॉब होता है जिसकी मदद से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनको कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से निकलेगी वो आगे जा रही है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड में। ये प्री एक्सेलरेटिंग एनोड है, अगेन अब ध्यान दीजिए ये एनोड, एनोड मतलब यहाँ पे हम क्या सप्लाई दे रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ भी फोकसिंग एनोड मतलब यहाँ भी हम पॉजिटिव सप्लाई, देन अगेन एक्सेलरेटिंग एनोड, एनोड मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ से निकलते ही इलेक्ट्रॉन बीम इसकी ओर अट्रैक्ट होगी और अट्रैक्ट होकर के इस प्री एक्सेलरेटिंग एनोड में इनको इतनी एनर्जी दी जाती है कि वो आगे और भी ज्यादा
एक्सेलरेशन के साथ मूव करें और फोकसिंग एनोड में जा करके इसको यहाँ से फोकस किया जाता है कि स्क्रीन में कहाँ पे स्ट्राइक करना है, स्क्रीन में कहाँ पे स्ट्राइक करना है मतलब एज पर दी एक्सिस की इसको एक सेंटर पे फोकस कर दिया जाता है। फिर उसके बाद अगेन एक्सेलरेटिंग एनोड में पास करते हैं तो अगेन एक्सेलरेटिंग एनोड उसकी वेलोसिटी को और इंक्रीज करती है ताकि वो हाई इंटेंसिटी के साथ जाकर के स्क्रीन में स्ट्राइक करे। और यहाँ पे एनोड बनाने, ये जो सिलेंडर्स होते हैं वो एनोड के सिलेंडर्स होते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन की बीम को अपनी ओर अट्रैक्ट करें और जितनी बीम निकल रही है मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो पूरे के पूरे इस बीम के फॉर्म में आगे प्रोसेस हो सके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सिर्फ यहाँ तक का काम है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गन तक का, ये इलेक्ट्रॉन गन तक का काम है कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं। अब उसके बाद आगे का काम हम लोग और आगे देखेंगे कि उसके बाद डिफ्लेक्टिंग प्लेट का क्या काम होता है, फोकसिंग एनोड का क्या काम होता है। ठीक है, तो यहाँ जो आपको एक्सप्लेनेशन दिख रहा है वो सिंपल इलेक्ट्रॉन गन का एक्सप्लेनेशन है कि कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, ये जो सिलेंडर होते हैं वो किस पर्टिकुलर मटेरियल के बने होते हैं, ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में एनोड्स होते हैं, ये जो ये एनोड है ये बने होते हैं कि बेरियम एंड स्ट्रोंथियम ऑक्साइड की लेयर इसमें डिपॉजिट करी जाती है ताकि हमें इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर एमिशन मिले इस तरीके से। और भी निकल के सिलेंडर होते हैं, निकल के सिलेंडर इसलिए ले जाते हैं ताकि हमें प्रॉपर कंट्रोलिंग मिल सके। और उसके अलावा बस हो गया, इलेक्ट्रॉन गन तक की वर्किंग इतनी ही है। ठीक है, और डिटेल में आपको नोट्स को और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिलहाल इसकी वर्किंग इतनी ही है। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक कोई डाउट हो इलेक्ट्रॉन गन तक और या तो सीआरटी की वर्किंग में कि नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ पे कैसे क्या होगा और इलेक्ट्रॉन गन, नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग करेंगे कि किस तरीके से फोकसिंग एनोड वर्क करता है, ये फोकसिंग एनोड को देखेंगे। और यहाँ पे जो फोकसिंग होती है, दो टाइप की फोकसिंग होती है, जब इलेक्ट्रॉन की बीम एक्सेलरेटिंग एनोड से एक्सेलरेट होता है, यहाँ से एक्सेलरेट होकर के फोकसिंग एनोड पे पहुँचता है, तो दो टाइप की फोकसिंग हो सकती है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग है, दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग जो होती है वो सीआरटी मतलब जो सीआरओ होता है उसमें यूज करी जाती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग है वो जो पहले जो टीवी होती थी उनमें की जाती थी वो वाली फोकसिंग। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से फोकसिंग एनोड वर्क करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इसका एक कंप्लीट सेक्शन है कि ये कैसे किस तरीके से फोकसिंग होती है। फिर यहाँ से निकल करके डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में जाती है इलेक्ट्रॉन की बीम, तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्शन मिलता है उसका एक डेरिवेशन है, तो उस डेरिवेशन को भी किया जाएगा क्लास में। तो ये पूरी यूनिट इस तरीके से कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। कोई पॉइंट ऐसा अभी तक जो नहीं समझ में आया हो? एक्वाडैग मटेरियल की कोटिंग हम करते हैं, क्यों करते हैं, उसे भी आगे की क्लास में देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने से वो इलेक्ट्रॉन में भी, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी कोलाइड करता है तो उससे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं, तो वो जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है वो इस अगर स्क्रीन में रहेंगे या इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहेंगे तो ये जो निकल रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो उन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए एक्वाडैग मटेरियल की कोटिंग को दी जाती है। ठीक है, कंट्रोल ग्रिड का काम क्या होता है? कंट्रोल ग्रिड में हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं। नेगेटिव सप्लाई क्यों देते हैं? ताकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें। इसलिए इसका जो नॉब होता है स्क्रीन पे, इसको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सीआरओ की स्क्रीन पे। ये विजिबल है सभी को? यस मैम।
उतना विजिबल तो इसमें देखिए मैं शेयर कर देता हूँ। जूम का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है ना, कर्सर सभी को दिख रहा है, कर्सर विजिबल है सभी को? यस मैम। ये जो इस कॉर्नर में स्क्रीन के नीचे यहाँ पे जो दो आपको ये टैब दिख रही है, इनमें से एक होता है फोकसिंग और एक होता है इंटेंसिटी कंट्रोल। तो जो इंटेंसिटी कंट्रोल वाला नॉब होता है वो कंट्रोल ग्रिड से कनेक्टेड होता है। जब हम इसे रोटेट करते हैं तो हमें स्क्रीन पे ज्यादा मोटी वेव फॉर्म या पतली वेव फॉर्म दिखती है, और ये जो थिकनेस कम या ज्यादा हो रही है वो उस बेसिस पे होती है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो तो कम या ज्यादा हैं। अब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटरनली कैसे कम ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल ग्रिड पे हमने नेगेटिव सप्लाई दी है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन है वो कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे के और भी सेक्शन है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये, यहाँ हम सिग्नल देते हैं, सिमिलरली यहाँ पे सिग्नल देते हैं। दो स्क्रीन होती हैं, तीन स्क्रीन होती है अलग अलग, यहाँ अगर हम एक साथ दो वेवफॉर्म को देखना चाहते हैं, मतलब इनपुट को भी देखेंगे और आउटपुट को भी देखेंगे, तो एक में हम इनपुट सिग्नल लगाएंगे और एक में आउटपुट सिग्नल लगाएंगे, तो दोनों वेवफॉर्म्स को हम यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, और उस वेवफॉर्म को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये टाइम वाली एक्सिस होती है, ये जो नॉब दिख रही है ये एक्स एक्सिस के लिए होती है, जो कि टाइम की स्केल को डिसाइड करती है। मतलब यहाँ स्क्रीन एक मिनट रुकेगा, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे विजिबल होगा, ये टाइम की एक्सिस के लिए है, मतलब एक्स एक्सिस के लिए है, और ये जो दो नॉब हैं ये वाई एक्सिस के लिए हैं, जो कि एम्पलीट्यूड के लिए हैं। जो वाई एक्सिस है वो एम्पलीट्यूड को शो करेगी और जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को शो करेगी, ठीक है। इस एक्स एक्सिस में अलग अलग ब्लॉक्स हैं, मतलब वाई एक्सिस में भी ब्लॉक्स हैं, मतलब पूरी की पूरी स्क्रीन जो है ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, और एक ब्लॉक का स्केल डिसाइड किया जाता है बाय फिक्सिंग द नॉब एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जैसे आपने 1 मिलीसेकंड पे इस नॉब को सेट कर दिया, दैट मीन्स एक स्केल का जो टाइम पीरियड होगा एक्स एक्स डायरेक्शन में, एक स्केल का जो टाइम होगा वो 1 मिलीसेकंड है एक ब्लॉक का। तो अगर मेरी वेवफॉर्म 3 ब्लॉक कवर कर रही है तो मतलब उसका टाइम पीरियड कितना हुआ, 3 मिलीसेकंड। सिमिलरली वोल्टेज का भी नॉब हम सेट करके हम ये देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड अगर 4 वोल्ट है तो हम 4 ब्लॉक को कवर करेंगे, अगर एक ब्लॉक का वोल्टेज, एक ब्लॉक का जो पर्टिकुलर वैल्यू है 1 वोल्ट है, अगर इस तरीके से। इससे हम और आगे की क्लास में और भी और विजिबल डायग्राम लेकर के आऊंगे मैं, जिससे और ज्यादा सही से समझ में आ पाएगा कि किस तरीके से स्क्रीन पे हमें अगर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड या एम्पलीट्यूड को निकालना है तो सिंपली हम स्क्रीन में देख करके कि कितने ब्लॉक्स कवर हैं और एक स्केल की क्या वैल्यू है उस बेसिस पे निकाल सकते हैं, ठीक है।
क्लियर है सभी को? हेलो, यस मैम, क्लियर है। यस मैम, ठीक है। वैसे आप लोगों ने यशवंतर की क्लास में देखा होगा, लेकिन क्योंकि ये सीआरओ आपका सब्जेक्ट है तो इसमें आपको इंडिविजुअली भी करना होगा। सो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि किस तरीके से एम्पलीट्यूड निकालना है, किस तरीके से फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट है, बाय सीइंग। बाय सीइंग मतलब आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि कितने ब्लॉक्स कवर कर रही है मेरी वेव फॉर्म, उन पर्टिकुलर ब्लॉक्स की वैल्यू क्या है इन बोथ दी डायरेक्शन एक्स एंड वाई, और उन वैल्यूज को, उन ब्लॉक्स को कैलकुलेट करके ऐड करके हम बता सकते हैं कि क्या एम्पलीट्यूड है एंड क्या टाइम है। और एक बार अगर टाइम निकल गया तो फ्रीक्वेंसी भी इजीली निकल जाएगी। क्लियर है? ठीक है, यस और नो? यस मैम, यस मैम। आवाज बहुत स्लो आ रही है। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट लैब की क्लास मंडे ट्यूसडे लगेगी, तो ट्यूसडे में और भी ज्यादा सीआरओ और फंक्शन जनरेटर की मतलब ऐसे डायग्राम्स और कुछ लेकर के आऊंगी जिससे आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो सके, या तो हुआ तो मैं आपको क्लास में भी दिखाऊंगी। अगर आप ऑनलाइन सीधे देख सकते हो तो क्लास में दिखा करके एक बार डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा आप लोगों का कि किस तरीके से सीआरओ वर्क करता है। एक कंप्लीट क्लास होगी उसमें एंड फंक्शन जनरेटर भी। और इस तरीके से लैब की क्लास में हमारा सीआरओ चलता रहेगा, क्योंकि जहां तक है 3-4 क्लास में सीआरओ वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से सही रहेगा अपना, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना। इतना पेशेंस रखने के लिए आप सभी 28 स्टूडेंट्स को थैंक यू, क्योंकि एक साथ एक ही दिन में दो दो क्लास लेना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है फिलहाल इस टाइम में, जबकि आप लोग को बिल्कुल भी क्लास लेने की आदत नहीं है। तो उसके लिए थैंक यू आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी, तो मंडे को फिर मिलते हैं। थैंक यू।